चलो कहता है ये शिप इज मूविंग टुवर्ड द वेस्टवर्ड, समझना एक शिप जो है वो वेस्ट में जा रही है। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें, ठीक है। और मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ इसको करने का, अगर आप इसको ये शिप इज मूविंग टुवर्ड वेस्टवर्ड। चलो पहले ओरिजिन बना लो, ये यहाँ पर एक शिप है टी इज इक्वल टू जीरो पे मान लिया, वो वेस्ट में जा रही है, इधर जा रही है और वे 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड बी नाम की शिप है जो साउथ में है यहाँ पे, जो कि यहाँ से 100 मीटर नीचे है, 100 किलोमीटर है, तो बी शिप यहाँ है, ठीक है, और वो नॉर्थ में जाएगी, ऊपर जाएगी। कहता है कितने टाइम बाद उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट हो जाएगा, हाउ मच टाइम द डिस्टेंस बिटवीन देम इज शॉर्टेस्ट, ठीक है, कितने टाइम बाद उनकी जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट हो जाएगी, समझना क्वेश्चन को समझो पहले, ठीक है। 100 मीटर है, ये भी 10 से चल रही है, ठीक है, तो ये भी 10 से ही जा रही है, ये भी 10 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, और ये डिस्टेंस 100 मीटर का दिया हुआ है, 100 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये जो शिप बी है वो ऊपर जा रही है, और ये शिप यहाँ से चली थी टी इक्वल टू जीरो पर यहाँ थी, तो कितने टाइम बाद उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट हो जाएगा। तो इसको करने के कई तरीके यार, कई मेथड है, ठीक है। तो जो मैं सबसे आसान है पहले उसको बताता हूँ, फिर एक दो और बताता हूँ, फिर आप इसको समझ लेना, जो आपको अच्छा लगे उसे फॉलो करना। थियरी में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं कि तीनों मेथड, ठीक है। सबसे पहला मेथड है रिलेटिव वेलोसिटी का। ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो ये वाली है शिप जो ए है उसको मैं भी ए बोलता हूँ वेलोसिटी, और इसकी शिप की वेलोसिटी बी भी है। सिंस वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा उस जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो भी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ एक्सेलरेशन जीरो होगा, इसका मतलब ये हुआ कि पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। तो ये तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, अब इसका अगर मैं वेक्टर बनाऊंगा, स्पेस में वेक्टर बनाऊंगा, तो मान लो स्पेस में वेक्टर बनाओगे तो मान लो ए तो उधर ही है, ठीक है भाई, इसका ट्राइंगल रूल लगाओगे, ए प्लस माइनस बी बी ट्राइंगल रूल लगाओगे, ठीक है। तो ए बी बी, तो मुझे इस पे अगर मैं ट्राइंगल रूल ला, इन तीनों का वेक्टर में एक ट्राइंगल रूल बनाता हूँ, तो इस ट्राइंगल रूल के हिसाब से, ठीक है, इस वेक्टर को, ये तीनों वेक्टर को मैं स्पेस में ड्रा करता हूँ और ट्राइंगल रूल लगाता हूँ, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए इधर ही है 10 मीटर पर सेकेंड, ओरिजिन से 10 किलोमीटर पर सेकेंड है, और वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, ऊपर है, जो कि पॉजिटिव है, तो नीचे मैं कर दूँ ये माइनस 10 इधर आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है। अब मैं इधर यहाँ से इस ए को मैं उठा के यहाँ शिफ्ट कर दूंगा और यहाँ से मिलाऊंगा, तो ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है, और ये वेलोसिटी माइनस बी है, और ये वेलोसिटी जो कि नीचे है, और ये वेलोसिटी ए है। ये तीनों वेक्टर, ये जो तीनों वेक्टर थे वो यहाँ दिखने लगे। तो ये जो है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है, और ये है वेलोसिटी ऑफ बी का अपोजिट माइनस बी, और ये ए है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर आ जाओ अब, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि इधर की डायरेक्शन में आएगी, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी स्ट्रेट लाइन है। ऐसे क्वेश्चन में ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ठीक है, इस डिस्टेंस से बी से इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं इस डिस्टेंस से। अब जो थ्योरी पढ़े नहीं है, जो मेरा लेक्चर नहीं देखे हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट ये है कि पेशेंस रखो, ठीक है, और भी मेथड बताता हूँ। ये बी से रिलेटिव वेलोसिटी वाली लाइन पर परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी पता चल जाएगा, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। तो यहाँ रिलेटिव शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो डिस्टेंस डी निकाल लो, हमें पता है कि ये दोनों बराबर है, तो ये एंगल कितना होगा 45, ये एंगल कितना होगा 45, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी की वैल्यू कितना होगी, ये 100 है और ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये आ गया 100,
100 साइन 45 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया, समझना इसको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया 100 साइन 45 और इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, भाई दो वेक्टर 90 डिग्री पर है, ये और ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 10² + 10² अंडर रूट, मतलब 10√2 है ना, 10√2, इसका मतलब ये हुआ कि आ जाएगा 10√2, तो 10 नेट एक 10 को 10 को खत्म कर दिया, और ये 10/2 मतलब 5 आवर, 5 घंटे बाद इनका जो टाइम होगा वो मिनिमम होगा, उस वक्त डिस्टेंस मिनिमम होगी और उस मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू 100 sin 45 होगी, ठीक है ना, क्लियर है, मतलब ये हुआ कि बी ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। और भी तरीके देखो, एक तरीका मैक्सिमा मिनिमा का, ठीक है, इसको हमने किया रिलेटिव वेलोसिटी, अब हम करते हैं इसको सेकेंड मेथड मैक्सिमम मिनिमा से, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, इससे भी इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो t = 0 से जो है वो ओरिजिन से चला था, t = 0 से ये वाला ओरिजिन से चला था, और ये यहाँ से t = 0 से 100 किलोमीटर नीचे से ऊपर जा रहा था, b यहाँ था और a यहाँ था, मान लो t टाइम बाद इनका पोजीशन बदल जाएगा, बिकॉज इनका पोजीशन बदल रहा, टी टाइम बाद ये पार्टिकल ये वाला यहाँ से यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया मान लो, ठीक है ना, बी वाला यहाँ आ गया, तो अब इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लो डी है, और डी एक डिस्टेंस है, अब ये शॉर्टेस्ट कब होगा उसका कंडीशन है, ठीक है, डी एक डिस्टेंस है किसी टी टाइम बाद, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 10t, ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, ये भी हो जाएगी 10t, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 100 - 10t, ठीक है। अब इस पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी 10t² + 100 - 10t² और ये आ जाएगा अंडर रूट, दैट इज द डी। ये अब मैक्सिमम मिनिमम कोई भी डिस्टेंस डी है, अब डी देखो डी मिनिमम कब होगा, ठीक है, डी मिनिमम कब होगा, ठीक है, डी विल बी मिनिमम, डी मिनिमम होगा जब डिफरेंशिएशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मस्ट बी इक्वल टू 0। ये डी स्क्वायर नहीं लिखेंगे भाई ये डी और डी डी स्क्वायर नहीं लिख देना, ठीक है, वो गलत हो जाएगा, ये डी और डी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो वो ये हाँ डी, अब डी वाई डी टी इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, जब रखोगे इसका डिफरेंशिएशन तो ये डी जो है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन मिनिमम होगा डी, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये 10t² + 100 - 10t² ठीक है अंडर रूट, दैट इज ऑल इक्वल टू 0, ठीक है, तो ऑल इक्वल टू 0, अब इसको डिफरेंशिएट करो, अब जिसको डिफरेंशिएट करने नहीं आएगा वो कैसे सॉल्व करेगा यार, तो ये रूट हटा दो, ठीक है, उधर 0 है तो रूट हटा दो, तो ये 10t² टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे 10t को, तो ये आ जाएगा 20t, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ प्लस, अब ये इसको पूरा चेन रूल लगा दो, डिफरेंशिएट कर दो, 2 सामने आ गया और ये आ जाएगा 100 - 10t, ठीक है, और फिर इसके अंदर 10 भी है वो भी डिफरेंशिएट होगा टाइम के रिस्पेक्ट में माइनस, दैट इज ऑल इक्वल टू 0। अगर आप इसको खोल के डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो कर लो, खोल लो इसको, स्क्वायर को खोल दो, ठीक है, और उसके बाद डिफरेंशिएट कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 20t, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 20 कॉमन ले लो, यहाँ से 0 0 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 2t और प्लस 20 भी कॉमन आ गया ना, तो टी, तो यहाँ से टी बचा 20 और यहाँ से बचा 2 और 0 बचा, इधर बचा 10 - 10t - 1 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि टी प्लस टी माइनस 10 माइनस प्लस टी दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज टी इज इक्वल टू 5 आवर बाद, वे हुआ टाइम है ये
वो स्पेशल टाइम है जिस टाइम डिस्टेंस मिनिमम हुआ है, ये वो स्पेशल टाइम है जिस टाइम डिस्टेंस मिनिमम हुआ है। अब कभी कभी पूछ देता है कि मिनिमम डिस्टेंस निकालो, तो मिनिमम डिस्टेंस निकालने का ये जो मैक्सिमम मिनिमम वाला तरीका है यही ऐसे ही अपनाना। अब तुम्हें मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो क्या करोगे, इस टी को ले जाके, इस टी को ले जाके इसमें रखोगे। अगर इस टी को इसमें रख दोगे तो ये जो डी है वो स्पेशल डिस्टेंस हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो पाई पावर जो ऐसे। और तीसरा तरीका